बर्मिंघम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन की अदालत से रिहाई की खुशी में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं साहिद खटक की रिपोर्ट में। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन को अदालत की जानिब से रिहाई दे दी गई। बर्मिंघम में जियालों ने चौधरी मोहम्मद यासीन को रिहाई मिलने की खुशी में जश्न का अहतमाम किया और मिठाई तकसीम की। तकरीब में चौधरी शाह नवाज, अख्तर मिर्जा, राजा कयूम, मंजूर कापा और दीगर शरीक हुए। शुरका ने कहा कि यह मुकदमा एक बोगस मुकदमा है, पार्टी रहनुमा को बदनाम करने के लिए साजिश तैयार की गई। सीन साहब की जो जमानत हुई है उस पर यह हक और सच की फतह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने हमेशा से, जुल्फकार अली भुट्टो ने भी अदालतों का एहतराम किया और बेनजीर भुट्टो भी अदालतों में अपने मुकदमात जो हैं वो उनका फेस करती रही हैं। मैं सारे भरावान शुक्रगुजार हाँ जेडे सारे इकट्ठे हुई जो यासीन वास्ते है। यासीन की अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी इज्जत दी है और हक पर फैसला अल्लाह ताला कीता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर शेर कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब और उनके बेटों की जो जमानत हुई है, मैं समझता हूँ हक और सच की फतह है। रिहाई पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और कारकुनान से अपील करता हूँ कि जश्न के बजाय शुक्राने के नवाफल अदा किए जाएं और कायदे कश्मीर को इस मुकदमे में बाइज़्ज़त तौर पर मुकम्मल तौर पर बरी होने के लिए दुआगो रहें। चौधरी यासीन साहब पर जो झूठे मकबात बनाए गए थे उनमें आज अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने उनको बाइज्जत तरीके से जमानत दी है। की तरफ से जो यासीन साहब को और उनके सबजादों को मुबारकबाद, जो उनकी बेल हुई है, लख लख शुक्र है और जितना भी अल्लाह ने शुक्र अदा करा इतना ही कम है। मैं सारे साथियों की इस नंबर मुबारकबाद पेश करने लावा अल्लाह ताला बहुत बड़े सने तो जुड़ा जो साहब की सुरखरू किता है, जमानत ली है और इंशाअल्लाह ताला ये झूठा केस है और ये मिट्टी जंग जो केस है पहले भी झूठा था, आज भी झूठा है, आइंदा भी झूठा है और अदालतों के ऊपर हमें एतबार है और इंशाअल्लाह वो जो फैसला करेंगे वो बेहतर फैसला होगा। आज हम खुशी बना रहे हैं चौधरी यासीन साहब और उनके बेटे, दो बेटे जो उन्होंने खुद हाज़िर किए थे और ख़ुद भी हाज़िर हुए थे अदालत में, वो आज सरखरू हो गए हैं, उनकी जमानत हो गई। पीपल पार्टी ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है और जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर बेनज़ीर तक, और आज चौधरी यासीन साहब ने भी ये साबित किया है कि वो अदालतों का एहतराम करते हुए और आज सुरखरू हुए हैं आज़ाद कश्मीर की अदालतों से। हमारे कायदे कश्मीर चौधरी यासीन साहब ने भी अदालतों का एहतराम किया है और ख़ुद को भी पेश किया है और अपने बेटों को भी उन्होंने पेश किया है और आज अल्लाह ताला के फजल से उनकी जमानतें हुई हैं। मुकर्रीन ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक नाकाम हुकूमत है जिन्होंने तब्दीली के नाम पर आवाम को तबाह कर दिया। तकरीब के इख्तिताम पर पार्टी रहनुमा और वतन अजीज के लिए खुसूसी दुआ की गई।